Hello students, in the last two videos we have studied about the wideband FM, okay? And in that we have derived the standard equation of wideband FM, we have calculated the power, we have calculated the bandwidth, we have also draw the spectrum of wideband FM, okay? Now we will solve some basic numericals on that topics, okay? Clear a point? Now first numerical is a massive signal having a bandwidth of 20 kilohertz is given to you. Okay, means aapka jo message signal hai uski bandwidth given hai 20 kilohertz. Okay, ye aapko information given hai. To FM kya le liya aap logon ne? 20 kilohertz. Agli line mein bolta hai aapko ki this message signal is LSB SSB modulated with a carrier of 2 megahertz. Okay, ye message signal jo hai aapka with the carrier of 2 megahertz ke saath LSB, SSB modulate होता है, okay? So यहाँ पर आप लिख सकते हैं SSB, LSB, okay? Single sideband जो कि है आपकी lower sideband. Clear a point? ये information आपको numerical में यहाँ पर given है, okay? Now अब आपको बोल रहा है ये जो resultant signal है, वो आपका again narrow band FM modulator से pass होता है, ठीक है? तो ये आपका पास होगा नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेटर से जहां पर आपकी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है एफसी है जो यहां पर नैरो बैंड एफएम में जो कैरियर अप्लाइड है उसकी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो दिया है आपको 2 गीगाहर्ट्ज क्लियर है पॉइंट नाउ अब आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल ठीक है जो यहां पर आपका जो सिग्नल जनरेट होगा नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेटर के आउटपुट में ठीक है उस सिग्नल की आपको बोल रहा है बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है क्लियर है पॉइंट ठीक है तो क्या दिया है आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि आपके पास एक मैसेज सिग्नल है 20 किलोहर्ट्ज का एक कैरियर सिग्नल है 2 मेगाहर्ट्ज का आप दोनों का यूज करके सिंगल साइड बैंड लोअर साइड बैंड मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं मींस आप एसएसबी एससी परफॉर्म कर रहे हैं जहां पर आपको लोअर साइड बैंड जनरेट करनी है ओके ये जो आपका SSB SC सिग्नल आया है वो नैरो बैंड FM के लिए मैसेज सिग्नल की तरह वर्क कर रहा है वो नैरो बैंड FM में इनपुट की तरह वर्क कर रहा है और साथ ही साथ जो कैरियर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग नैरो बैंड FM में वो है आपका 2 गीगाहर्ट्ज का तो बोल रहा है नैरो बैंड FM में जो रिजल्टिंग आपका FM सिग्नल होगा आउटपुट होगा जो उसकी बैंडविड्थ क्या होगी क्लियर है पॉइंट पूरा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है नाउ ध्यान से समझिएगा यहां पर हमें सबसे पहले यहां पर जनरेट करना है SSB SC लोअर साइड बैंड ठीक है हमें पता है कि जो SSB SC लोअर साइड बैंड की रेंज होती है वो होती है FC माइनस FM टू FC ओके यही रेंज होती है आपकी लोअर साइड बैंड की क्लियर है अच्छे से अब आप यहां देखिए जो आपका FC है वो 2 मेगाहर्ट्ज है और FM कितना है आपका 20 किलोहर्ट्ज क्लियर है तो यहां पर आप समझिएगा यहां पर आपकी जो रेंज होगी हम इस तरह से लिख सकते हैं ना FC माइनस FM टू 2 मेगाहर्ट्ज क्योंकि FC की वैल्यू क्या है आपकी 2 मेगाहर्ट्ज है ये आपकी लोअर साइड बैंड की रेंज हो जाएगी ठीक है अभी आप समझिएगा मैंने FC माइनस FM की वैल्यू क्यों नहीं पुट की ठीक है तो ये आपका हो गया 2 मेगाहर्ट्ज FC की वैल्यू ठीक है तो रेंज क्या हो गई FC माइनस FM टू 2 मेगाहर्ट्ज ओके अब ये जो आपका लोअर साइड बैंड है ये आपका नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेटर के लिए एज अ इनपुट वर्क कर रहा है इसकी क्या मीनिंग है इसकी ये मीनिंग है कि ये जो लोअर साइड बैंड है नैरो बैंड एफएम के लिए एज अ मैसेज सिग्नल वर्क कर रहा है ओके और हमें पता है कि जो नैरो बैंड एफएम में जो आउटपुट होता है ठीक है ना जब भी आप नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं और उसमें आप मैसेज और कैरियर सिग्नल अप्लाई करते हैं तो आपको आउटपुट में क्या मिलता है आपको आउटपुट में मिलता है नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल और हम लोगों ने एफएम के स्टार्टिंग में नैरो बैंड एफएम जब स्टडी किया था तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि नैरो बैंड एफएम की जो बैंडविड्थ होती है वो 2 एफएम होती है ठीक है अब आप समझिए यहां पर जो 2 एफएम है वहां पर एफएम क्या है एफएम है नैरो बैंड एफएम में जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने इनपुट सिग्नल लगाया है जो मैसेज सिग्नल अप्लाई किया है जो कि आपका क्या है एसएसबी एलएसबी तो एसएसबी एलएसबी नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेटर के लिए मैसेज सिग्नल है ठीक है तो वहां से अगर मैं एफएम निकाल लूं तो
जो आउटपुट होगा नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेटर का उसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट हो जाएगी 2 FM। क्लियर है पॉइंट? तो आपको समझना होगा कि हमें बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए यहां पर मॉड्यूलेशन पूरा का पूरा परफॉर्म करके देखने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूलेशन तो हो रहा है, हमें पता है कि मॉड्यूलेशन परफॉर्म हो रहा है, पर हमें वाया मैथमेटिकल फॉर्मूला पहले से ही पता है कि आउटपुट ऑफ नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेशन या जो नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेटर होता है उसके आउटपुट में जो सिग्नल जनरेट होता है, जो एफएम सिग्नल जनरेट होता है, उसकी बैंडविड्थ होती है 2 FM। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जो SSB LSB है सिग्नल, उसके लिए FM क्या होगा? FM क्या होता है? किसी भी सिग्नल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, किसी भी मैसेज सिग्नल का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ओके, तो यहां पर आप देखिए इस LSB का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? 2 MHz है। तो यही आपका एज अ FM वर्क करने वाला है यहां पर। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर जो आपका नैरो बैंड FM मॉड्यूलेटर है उसके लिए जो मैसेज सिग्नल है उसका जो FM है वो 2 MHz है। तो जो ST ऑफ बैंडविथ होगा आपका, मींस नैरो बैंड FM मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट होगा उसकी बैंडविथ हो जाएगी 2 × 2 MHz, दैट इज 4 MHz। क्लियर है पॉइंट? तो आपको यहां समझना होगा कि यहां पर हमने एक बार भी मॉड्यूलेशन परफॉर्म करके हमने नहीं देखा मैथमेटिकली, हो रहा है पर हमें क्या सारे फॉर्मूले पता थे, हमें सारे कंसेप्ट पता थे, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट आंसर लिख लिया एक लाइन में। क्लियर है पॉइंट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यहां पर आपको एक कैरियर गिवन है 200 MHz का। ओके, तो FC इक्वल टू 200 MHz, दिस इज योर कैरियर फ्रीक्वेंसी। ओके, और बोल रहा है कि 200 MHz कैरियर इज FM मॉड्यूलेटेड बाय अ साइनोसॉइडल सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड 20 वोल्ट। तो ये जो कैरियर है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट किया जाता है वाया साइनोसॉइडल सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड 20 वोल्ट। मतलब ये जो साइनोसॉइडल सिग्नल है वो आपका क्या होगा? मैसेज सिग्नल होगा, और मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड आपको गिवन है यहां पर 20 वोल्ट। ओके, एंड मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है यहां पर, कितनी गिवन है? 200 kHz। ओके, तो FM है आपका 200 kHz, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। FM मॉड्यूलेशन हो रहा है, कैरियर फ्रीक्वेंसी आपको पता है, मैसेज फ्रीक्वेंसी आपको पता है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी आपको गिवन है। ओके, नाउ आपको एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, द फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर इज 30 kHz/V। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी स्टडी किया था, टर्म KF, ये गिवन है आपको 30 kHz/V। ओके, तो यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी भी गिवन है। ओके, तो यहां से आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी डेविएशन, दैट इज ∇f, ओके, एंड बैंडविड्थ। क्लियर है पॉइंट? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड बैंडविड्थ, एंड सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रिपीट द अबव कैलकुलेशन When the message amplitude is tripled, okay? आपको above calculation को repeat करना है जब आपका message amplitude जो है आपका वो tripled हो गया, okay? Basically आप कह सकते हैं जो AM dash है वो 3 AM हो गया, basically ये आपको given है। Clear है अच्छे से? Now, यहां पर अगर मैं first question perform करने के लिए जाऊं तो first question में हमें सबसे पहले ∇f calculate करना है। तो ∇f का फॉर्मूला ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये होता है आपका KF into AM। ओके, तो KF कितना है आपका? 30 kHz, तो 30 × 10³ kHz/V। ओके, नाउ AM कितना है आपका? 20 वोल्ट है आपका। क्लियर है पॉइंट? तो आप सिंपली 10³ को किलो में ही रहन दीजिए, 30 × 20 क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 600 kHz। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ∇f। क्लियर है पॉइंट यहां तक अच्छे से? नाउ ∇f कैलकुलेट कर लेने के बाद अब हमें अगला क्या कैलकुलेट करना है? हमें अगला कैलकुलेट करना है यहां पर बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला, दो दो फॉर्मूला है हमारे पास। एक फॉर्मूला है बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 ∇f × FM। ओके, और एक फॉर्मूला है बैंडविथ इज इक्वल टू 2 × β+1 × FM। ओके,
यहां पर अब आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है कि यहां पर क्या ये फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, हमने तो लास्ट वीडियो में ही डिराइव किया ये फॉर्मूला और दोनों ही फॉर्मूले आपके बिल्कुल सही है। 2 into बीटा प्लस 1 into fm को ही सॉल्व करके हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था 2 into डेल एफ प्लस fm वाला। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि हमें ये फॉर्मूले यूज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैं एक काम कर रहा हूं, पहले बीटा कैलकुलेट कर रहा हूं आपके लिए। तो बीटा की जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डेल एफ अपॉन fm, हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो यहां पर डेल एफ की वैल्यू क्या आई आपकी 600 किलोहर्ट्ज, fm कितना है 200 किलोहर्ट्ज। ओके, तो बीटा कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 200, बीटा का आंसर हो रहा है आपका 3, ओके, विच इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है पॉइंट? मैं ये पॉइंट क्यों लिया, समझ में आया आपको? अगर यहां पर बीटा लेस देन 1 हो जाता तो यहां पर ये नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेशन हो जाता, और नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेशन के लिए जो बैंडविड्थ होती है वो 2fm होती है, 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू fm नहीं होती है। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर सबसे पहले चाहे आपको बीटा निकालने बोला गया हो चाहे ना निकालने बोला गया हो, आप बीटा निकाल के सबसे पहले चेक कर लीजिए कि जो आपका मॉड्यूलेशन है वो नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेशन है कि वाइड बैंड एफएम मॉड्यूलेशन है। अदरवाइज अगर कोई नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेशन होगा और आप सारे वाइड बैंड के लगा देंगे, या अगर कोई आपका वाइड बैंड होगा आप सारे नैरो बैंड के फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर जो है रॉन्ग आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो आपको पता चल गया दिस इज वाइड बैंड एफएम, तो आप ये फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकते हैं। अब तो बैंडविड्थ हो जाएगी आपकी 2 इंटू बीटा प्लस 1 दैट इज 4 इंटू एफएम दैट इज 200 किलो हर्ट्ज। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो यहां से आपकी बैंडविड्थ कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसी का जो आपका पार्ट 2 था वो था रिपीट द अबव कैलकुलेशन व्हेन मैसेज एम्पलीट्यूड इज ट्रिपल्ड, मींस जो न्यू मैसेज एम्पलीट्यूड है आपका वो हो जाएगा आपका 60 वोल्ट, क्योंकि ओरिजिनल क्या था आपका 20 वोल्ट, तो दिस इज योर 60 वोल्ट। क्लियर? नाउ मैं फिर से अगर डेल एफ कैलकुलेट करूं तो डेल एफ क्या होता है, के एफ इंटू ए एम। ओके, के एफ आपको कितना दिया है 30 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट, तो 30 इंटू 10 की पावर 3 इंटू ए एम कितना हो जाएगा आपका 60। ओके, तो ये हो गया आपका 1800, 6 इंटू 3 1800 किलो हर्ट्स। ओके, तो ये आपका आ गया डेल एफ। नाउ हमें फिर से क्या कैलकुलेट करना चाहिए, पहले बीटा। तो बीटा क्या होगा 1800 अपॉन आपका, जो यहां पर ध्यान से समझने वाली बात है, मैं ये क्वेश्चन दोबारा क्यों करा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपको कहा गया है सिर्फ मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड ट्रिपल्ड हो रहा है, जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी सेम रहेगी, वो आपकी 200 किलो हर्ट्स ही रहने वाली है। तो 1800 डिवाइड बाय 200 कितना होगा 9। अब जो बैंडविड्थ है वो अब आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वाइड बैंड एफएम है और वाइड बैंड एफएम के लिए बैंडविड्थ का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप बैंडविड्थ की वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 आपको वाइड बैंड एफएम सिग्नल गिवन है, यहां पर आपको बोल रहा है कि वाइड बैंड एफएम ही गिवन है और उसका आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है, एस टी इज इक्वल टू 100 कॉस 2 पाई इंटू 10 की पावर 60 प्लस 6 साइन 4 पाई इंटू 10 की पावर 3t। ओके, ये आपको बोल रहा है कि यही आपको गिवन है वाइड बैंड एफएम मॉड्यूलेशन सिग्नल। नाउ इसमें भी आपको दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट है डिटरमाइन डेल एफ बैंडविथ एंड टोटल पावर पीटी। ओके, और जो सेकेंड पार्ट आपको कहा गया है यहां पर वो कहा गया है रिपीट द अबव कैलकुलेशन व्हेन एफएम इज डबल्ड, दैट इज मैसेज फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। ओके, तो आपको ये कैलकुलेशन दोबारा परफॉर्म करना है जब आपकी मैसेज फ्रीक्वेंसी जो हो वो डबल्ड हो जाए। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट पार्ट है आपका उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको ये एनालिसिस करना है कि जो गिवन वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं। जैसे कि देखिए
अगर मैं यहां पर स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके लिए लिख दूं, देखिए यहां पर इक्वेशन किस फॉर्म में है, एसी कॉस वाला फॉर्म है और अंदर जो है वो साइन है, तो आप याद करिए ऐसा फॉर्म हमने कब पढ़ा था, ये फॉर्म हम लोगों ने स्टैंडर्ड एफएम का पढ़ा था, ठीक है ना, जब हम लोगों ने एफएम को सबसे पहले डिराइव किया था और सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए स्टडी किया था। तो ये है आपका फॉर्मेट कुछ इस तरह का, एसी कॉस ओमेगा सीटी प्लस बीटा साइन ओमेगा एमटी, ये फॉर्मेट हम लोगों ने स्टडी किया था। ओके, तो जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको दिख जाता है यहां पर कि एसी जो है वो 100 है, ओके, जो आपका एफसी है वो कितना है 10 की पावर 6, ओके, जो आपका एफएम है वो कितना है आपका 2 × 10 की पावर 3, आप देख सकते हैं यहां पर 4π × 10 की पावर 3 क्या है, ओमेगा है, जब आप 2π से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 10 की पावर 3, और लास्ट आप देख सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा, बीटा कितना है आपका 6, इसी कारण आपको क्वेश्चन में गिवन भी था वाइड बैंड एफएम मॉड्यूलेशन, क्लियर है। और जो यूनिट्स है वो सबकी आपको पता ही है, बीटा जो होता है यूनिट लेस, एसी की यूनिट होती है वोल्ट और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है आपकी हर्ट्ज। ओके, नाउ यहां पर जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें कहा गया है पहले डेल एफ कैलकुलेट करने, तो जो डेल एफ है वो कितना है आपका के एफ इंटू ए एम। ओके, तो यहां पर तो हमें के एफ तो गिवन नहीं है, ठीक है ना, डेल एफ जो है वो के एफ इंटू ए एम होता है, लेकिन यहां पर तो हमें के एफ दिया ही नहीं हुआ है, हमें ए एम भी नहीं दिया एक्चुअल में। आप देखिए यहां पर, आपको यहां पर अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर ए एम का भी कोई टर्म नहीं है, तो ना तो यहां पर आपको ए एम दिया है ना तो आपको के एफ दिया है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर। तो यहां पर ध्यान से समझिए, आपको एक और रिलेशन पता है, वो रिलेशन है बीटा, बीटा इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन एफ एम। ओके, तो यहां पर आप जो डेल एफ है वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, बीटा इंटू एफ एम। ओके, तो जो आपका डेल एफ है वो क्या आ जाएगा, बीटा कितना है 6 और एफ एम कितना है 2 × 10 की पावर 3, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका 12 kHz, ये आ जाएगा आपका डेल एफ, क्लियर है पॉइंट। नाउ नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, बैंडविथ, तो बैंडविथ आपको पता ही है, बहुत ईजी है, 2 × बीटा + 1 × एफ एम, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला है आपका टोटल पावर, चूंकि हम जानते हैं ये वाइड बैंड एफएम मॉड्यूलेशन है, बीटा इज ग्रेटर देन 1 है, तो जो टोटल पावर था वाइड बैंड एफएम मॉड्यूलेशन का लास्ट क्लास पे ही हमने डिराइव किया है, एसी स्क्वायर बाय 2, एसी कितना है आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन से, 100, ओके, यहां भी हमने लिखा हुआ है 100, तो कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर / 2 वॉट। ओके, तो ये आपका आ गया टोटल पावर, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट क्या है आपका, आप ध्यान से समझिएगा इसे, यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप सोच रहे होंगे मैं सेम क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूं, नहीं, आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। यहां पर कह रहा है एफएम जो है वो डबल हो रहा है, दैट मींस जो पुराना एफएम था वो आपका 2 kHz था, तो न्यू एफएम कितना हो जाएगा आपका 4 kHz हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट अच्छे से आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। अब जो डेल एफ मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो डेल एफ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इंटू एफ एम। ओके, तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग ये देखेंगे कि जो बीटा होता है वो कितना है 6, लास्ट क्वेश्चन में देख लीजिए जो आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रखा है उसमें बीटा कितना मिला है आपको 6 मिला है, और ये दोनों पार्ट के लिए सेम था ना, तो बीटा आप 6 देख लेंगे, ठीक है, और आप देखेंगे कि जो एफ एम है वो 4 kHz है, तो आप डेल एफ की न्यू वैल्यू 6 × 4 kHz करके आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों, लास्ट में तो हमने पार्ट नंबर 1 में डेल एफ का फॉर्मूला यूज किया है बीटा इंटू एफ एम, यहां हम क्यों नहीं यूज कर सकते, तो ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को। ये जो आपका बीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल एफ अपॉन एफ एम। ओके, और जो के एफ इंटू ए एम जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपका डेल एफ का। ओके, तो यहां पर आपको समझना ये है कि जो आपका डेल एफ है वो के एफ पे डिपेंड करता है और ए एम पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था, मैं पार्ट 1 की बात नहीं कर रहा हूं, जो लास्ट क्वेश्चन ही था आपका, वहां पर जब हम लोगों ने ए एम को ट्रिपल्ड किया था तो आपका डेल एफ चेंज हो गया था, क्योंकि जो डेल एफ है वो ए एम पे डिपेंड करता है, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है,
बट जो आपका डेलएफ है वो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर रखना है यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए जो बीटा है वो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्मूला ये है आपका, बीटा इज इक्वल टू डेलएफ अपॉन एफएम। इसको आप एडजस्ट करते हो, इसको आप रीअरेंज करते हो डेलएफ के कैलकुलेशन के लिए, पर डेलएफ का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो है केएफ इनटू एएम, वो मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपको क्लियर रखना है पॉइंट। तो बीटा जो है वो कितना हो जाएगा, डेल एफ मींस डेल एफ यहां चेंज नहीं होगा क्योंकि एएम चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल एफ आपका वही लास्ट पार्ट वाला होगा, कितना है 12। तो 12 अपॉन एफएम, एफएम कितना है 4, तो आपका जो बीटा है वो कितना हो जाएगा 3। दैट मींस जब आप एफएम को डबल करेंगे तो बीटा आपका हाफ हो जाएगा क्योंकि बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफएम। क्लियर है पॉइंट। बीटा पहले 6 था, अब कितना है आपका 3 है, क्लियर। तो जो आपका डेलएफ है ना वो आपका सेम रहेगा, डेलएफ विल बी कितना रहेगा आपका 12 किलो हर्ट्स, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्लियर। नाउ बैंडविड्थ जो है जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू एफएम, वो भी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। साथ ही साथ जब आप मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो पावर में भी आपका कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पावर क्या होता है आपका एसी स्क्वायर बाई 2, वो आपकी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर आपकी दो वैल्यूज चेंज होंगी, एक बीटा ओके और एक आपका बैंडविड्थ ओके। आपका डेलएफ चेंज नहीं होगा और टोटल पावर भी चेंज नहीं होगा, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ओके। तो आप यहां पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वहां पर आपको कैरियर सिग्नल गिवन है जो कि एफएम मॉड्यूलेट हो रहा है बाय अ साइनोसॉइडल सिग्नल ओके, सच दैट द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज 100 किलो हर्ट्स, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी डेविएशन दिया हुआ है 100 किलो हर्ट्स, डेल एफ इज इक्वल टू 100 किलो हर्ट्स ओके। नाउ डिटरमाइन द बैंडविड्थ बीटा व्हेन एफएम इज, ठीक है। तो आपको बोला है बैंडविड्थ निकालिए एफएम सिग्नल की, बीटा निकालिए व्हेन एफएम, दैट मींस मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज, फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है इसमें जब वो है आपकी 1000 किलो हर्ट्स ओके, 1000 किलो हर्ट्स, एंड सेकेंड पार्ट में कहा गया है मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी है आपकी 1000 हर्ट्स मींस 1 किलो हर्ट्स ओके। तो यहां पर आपको क्या कहा गया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अ कैरियर सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बाय अ साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल सच दैट द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज 100 किलो हर्ट्स, डिटरमाइन द बैंडविड्थ एंड बीटा व्हेन मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज। पार्ट ए में गिवन है 1000 किलो हर्ट्स एंड पार्ट बी में गिवन है 1000 हर्ट्स ओके। नाउ अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन पार्ट देखूं यहां पर, तो देखिए पार्ट ए का अगर मैं लू तो यहां पर आपको कितना गिवन है 1000 किलो हर्ट्स गिवन है, ठीक है, और पार्ट बी में कितना गिवन है 1000 हर्ट्स। तो पार्ट ए मैं पहले ले रहा हूं, एफएम है आपका 1000 किलो हर्ट्स ओके। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, बीटा, तो जो बीटा होता है वो क्या होता है डेल एफ अपॉन एफएम ओके। तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा आपका डेल एफ, कितना है डेल एफ है आपका 100 लिख लीजिए आप, और जो एफएम है वो कितना है 1000 है, तो कितना आ जाएगा 0.1 किलो हर्ट्स, एंड किलो हर्ट्स कैंसिल हो जाएगा किलो किलो, ठीक है। तो आप देख लीजिए बीटा आ गया 0.1। अब आप यहां पर समझिएगा, पहले यहां पर बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, लेकिन मैंने यहां पर पहले बीटा क्यों कैलकुलेट किया, आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कि आपका जो क्वेश्चन है वो वाइड बैंड एफएम का भी हो सकता है, नैरो बैंड एफएम का भी हो सकता है, तो पहले आप बीटा निकालकर चेक कर लीजिए कि वाइड बैंड है कि नैरो बैंड है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो बीटा है वो नैरो बैंड एफएम का है आपका, क्लियर है, बिकॉज बीटा इज 0.1 लेस देन 1 ओके। तो यहां पर जो बैंडविड्थ हो जाएगी दैट इज 2 एफएम, दैट मींस 2 इंटू 1000 किलो हर्ट्स, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो ये आपका नैरो बैंड एफएम का क्वेश्चन था,
क्लियर हो गया पॉइंट. नाउ पार्ट बी, पार्ट बी को आप यहां पर देखिए, आपको जो एफएम गिवन है वो गिवन है 1000 हर्ट्ज. ओके, अगेन आप बीटा निकाल दीजिए. सबसे पहले डेल एफ कितना गिवन है आपको, 100 किलो हर्ट्ज. एफएम कितना है, 1 किलो हर्ट्ज. ओके, तो बीटा कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 1. बीटा इज 100 ग्रेटर देन 1, दैट मींस वाइड बैंड एफएम. क्लियर है पॉइंट अच्छे से आप लोगों को. तो ये आपका हो गया वाइड बैंड. वाइड बैंड है तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू एफएम. ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं. ओके, क्लियर है पॉइंट अच्छे से. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन. इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें आपको गिवन है मैसेज सिग्नल ऑफ 8 किलोहर्ट्ज. ओके, एफएम आपको गिवन है 8 किलोहर्ट्ज का. क्लियर है पॉइंट. नाउ बोल रहा है कि ये मैसेज सिग्नल यूज हो रहा है एज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फॉर एन एएम मॉड्यूलेटर एंड एफएम मॉड्यूलेटर. ओके, मींस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी इसे हम मैसेज सिग्नल की तरह यूज कर रहे हैं, और एफएम मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी इसे हम एफएम सिग्नल की तरह यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस मैसेज सिग्नल इज यूज्ड इन एएम एंड एफएम, दोनों जगह ये यूज हो रहा है एज अ मैसेज सिग्नल. ओके, नाउ यहां पर गिवन है कि बोथ एएम एंड एफएम ट्रांसमीटर ओके यूजेस सेम कैरियर. ओके, दोनों के दोनों जो आपके ट्रांसमीटर हैं वो सेम कैरियर को यूज कर रहे हैं. ये अभी आपको क्वेश्चन में गिवन है. ओके, नाउ आपको और क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ द एफएम ट्रांसमीटर इज 2 टाइम्स द बैंडविड्थ ऑफ द एएम ट्रांसमीटर. ओके, तो क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन दैट मींस डेल एफ ऑफ एफएम ट्रांसमीटर ओके इज 2 टाइम्स ऑफ बैंडविड्थ ऑफ एएम ट्रांसमीटर. ठीक है ना, मींस जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है एफएम में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में वो बैंडविड्थ ऑफ एएम के ट्वाइस के इक्वल है. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. ओके, नाउ आपको गिवन है कि द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट ऑफ एफसी प्लस 8 किलोहर्ट्ज आर सेम इन एएम एंड एफएम. ओके, आपको यहां पर गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पेक्ट्रम कंपोनेंट एफसी प्लस 8 किलोहर्ट्ज सेम है आपका एएम में भी और एफएम में भी. ठीक है, मींस जो एफसी प्लस 8 किलोहर्ट्ज में ओके एफसी प्लस 8 लिख रहा हूं, यूनिट में किलोहर्ट्ज ले रहा हूं, जो एफसी प्लस 8 में जो आपका एम्पलीट्यूड है ओके जो इंपल्स होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा ठीक है ना, जो हम लोग स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं वो सेम है आपका दोनों जगह एएम में भी और एफएम में भी. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इन एएम एंड एम्पलीट्यूड इन एफएम बोथ आर सेम फॉर एफसी प्लस 8 किलोहर्ट्ज स्पेक्ट्रल कंपोनेंट. क्लियर है पॉइंट. नाउ और क्या बोल रहा है आपको, डिटरमाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम एंड एफएम ट्रांसमीटर. तो आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है एएम के लिए जिसे हम लोगों ने एमए नाम दिया था, और आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है एफएम के लिए जिसे हम लोगों ने बीटा नाम दिया हुआ है. ओके, और आपको कुछ वैल्यूज गिवन है लाइक J12 विच इज 0.57, J14 ये आपको गिवन है 0.066 एंड J18 ये आपको गिवन है 0.23. ठीक है, आपकी जो भी कोई वैल्यू इस पे से यूज होगी तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको जे एंड बीटा की वैल्यूज पता नहीं होती है ना, उसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या होंगी, गिवन होंगी. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपके लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन अभी हमें. क्या क्या दिया है आपको, मैसेज सिग्नल की आपको फ्रीक्वेंसी दी है एफएम 8 किलोहर्ट्ज, और कहा जा रहा है कि ये जो मैसेज सिग्नल है वो एएम और एफएम दोनों जगह अप्लाई हो रहा है, और कह रहा है कि एएम और एफएम ट्रांसमीटर यूजेस द सेम कैरियर दैट मींस बोथ ट्रांसमीटर चाहे वो एएम ट्रांसमीटर हो और एफएम ट्रांसमीटर हो दोनों में ही आप सेम कैरियर का इस्तेमाल कर रहे हो. और आपको क्या गिवन है, यहां पर आपको गिवन है कि जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है एफएम में वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ ऑफ एएम, मींस जो आप बैंडविड्थ निकालेंगे एएम सिग्नल की उसका ट्वाइस कर दीजिए आपको डेल एफ मिल जाएगा.
और आपको क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट एफसी प्लस 8 किलोहर्ट्स इज सेम फॉर बोथ एएम एंड एफएम। ओके, तो आप लिख सकते हैं बोथ एएम एंड एफएम दोनों के लिए आपका सेम है जो भी एम्पलीट्यूड होगा एफसी प्लस 8 किलोहर्ट्स पे। और आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करने हैं एफएम में भी और एएम में भी, और आपको यहां पर कुछ वैल्यूज दी हैं जेएन बीटा की, अगर वो यूज होंगी तो आप उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ना भी यूज हो, पर हो सकता है यूज भी हो जाए। ठीक है, तो अब आप यहां ध्यान से देखिए, यहां पर आपको क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से हम लोग वैल्यूज पहले आइडेंटिफाई करना चालू करते हैं। क्या सॉल्व करना है, फाइनल आंसर क्या चाहिए, वो अभी बहुत दूर है। अभी हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमें जो जो दिया है उससे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्मूले के फॉर्म में आपको एक पॉइंट दिया है, डेल एफ इज इक्वल टू टू बैंडविथ ऑफ एएम। दैट मींस आपको पता है कि जो एएम सिग्नल होता है उसकी जो बैंडविथ होती है आपकी वो होती है 2 FM, 2 इंटू मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ओके, और यहां पर आपको पता है कि जो डेल एफ है वो है आपका 4 ओके FM। क्यों 4 FM है, आप ध्यान से देखिए, जो डेल एफ है वो दिया हुआ है आपको 2 इंटू बैंडविथ AM, दैट मींस 2 इंटू 2 FM, दैट इज 4 FM। ओके, आप यहां पर समझने वाली बात ये है कि मैं यहां पर FM FM दोनों में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां गिवन है कि जो FM है, जो मैसेज सिग्नल है, वो दोनों के लिए सेम है, A और M FM के लिए। ठीक है ना, जो कैरियर है वो भी सेम है AM एंड FM के लिए, जो मैसेज सिग्नल है वो भी सेम है AM के लिए और FM के लिए। तो यहां पर जो आपका FM है वो आप सेम ही रहने दीजिए, आपको FM 1 या FM 2 करने की जरूरत नहीं है, वो 8 किलोहर्ट्ज ही है, चाहे आप FM मॉड्यूलेटर यूज करिए चाहे आप AM मॉड्यूलेटर यूज करिए। तो यहां पर देखिए आप, जो बीटा होता है वो होता है आपका डेल एफ अपॉन FM, दैट मींस बीटा जो हो जाएगा, बीटा किसका होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बीटा होता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट हो गया है 4। अब आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, क्या उसके लिए भी हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, हम चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि एफसी प्लस 8 किलोहर्ट्ज़, 8 किलोहर्ट्ज़ क्या है, एफएम है ना, तो बेसिकली आपको गिवन है एफसी प्लस एफएम का जो एम्पलीट्यूड होगा वो एएम के स्पेक्ट्रम में और एफएम के स्पेक्ट्रम में दोनों में ही सेम है। ओके, तो यहां पर अगर मैं एफसी प्लस एफएम का एम्पलीट्यूड ड्रॉ करूं, या आप बोल सकते हैं कि अगर मैं एफएम और एएम का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूं अप टू एफसी प्लस एफएम, ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देखिए, जो एएम का स्पेक्ट्रम होता है आपका एसएफ ऑफ एएम, वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक एक साइड बैंड ही कंसीडर करता है, तो वहां तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर सिर्फ एक अपर साइड बैंड होती है और एक आपकी लोअर साइड बैंड होती है। ठीक है, और आपका क्या होता है, बीच में होता है आपका एफसी, ओके, और फिर क्या होता है आपका एफसी प्लस एफएम, और एफसी के बिलो क्या होता है आपका एफसी माइनस एफएम। ये हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं एएम में, कि जो एएम की रेंज होती है फ्रीक्वेंसी, वो एफसी माइनस एफएम टू एफसी प्लस एफएम तक होती है। एएम मींस क्या, डीएसबी एफसी, बेसिक एएम, डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर। ओके, यहां पर जो आपका कैरियर का एम्पलीट्यूड होता है वो होता है एसी बाई टू, और जो आपका साइड बैंड्स का एम्पलीट्यूड होता है वो होता है एसी एमए अपॉन 4। ओके, इक्वेशन में होता था एसी एमए बाई 2, और हम लोगों ने जब इक्वेशन से स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड शुड बी डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर एम्पलीट्यूड है एसी एमए बाय 4। आप एएम की वीडियोस रिफर कर सकते हैं अगर आपको एम्पलीट्यूड याद ना हो तो, अगर आपको स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना याद ना हो तो। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं एफसी प्लस एफएम का जो एम्पलीट्यूड है वो है एसी एमए बाय 4। सिमिलरली अगर मैं यहां पर एफएम के लिए ड्रॉ करूं, दैट इज एसएफ ऑफ एफएम, आपको पता है एफएम में बहुत सारी साइड बैंड्स होती हैं, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की ड्रॉ कर रहा हूं, बिकॉज हमें सिर्फ एफसी प्लस एफएम से यहां पर मतलब है। ओके, तो यहां पर क्या होता है आपका एफसी, ओके, देन होता है एफसी प्लस एफएम एंड सो ऑन, एफसी प्लस 2 FM, 3 FM, ओके, सेम आपका एफसी के बिलो क्या होता है आपका एफसी माइनस एफएम, ओके, और अगेन सो ऑन, क्योंकि ये एफसी माइनस 2 FM, एफसी माइनस 3 FM, ये चलता चला जाएगा अप टू इंफिनिटी तक। क्लियर है पॉइंट? नाउ जो आपका एफसी होता है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका,
ये होता है आपका AC J0 beta divided by 2 और FC plus FM का क्या होता है, ये होता है AC J1 beta divided by 2. ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं लास्ट टू लास्ट वीडियो में. ओके तो आप देख सकते हैं जो FC plus FM का एम्पलीट्यूड है वो है आपका AC J1 beta divided by 2 और जो आपका FC plus FM का एम्पलीट्यूड AM में है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में है, वो है AC MA by 4. हमने दोनों जगह AC AC क्यों लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बोथ यूजेस सेम कैरियर. ओके तो यहां पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि स्पेक्ट्रम कंपोनेंट, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ FC plus 8 किलोहर्ट्ज सेम है आपका AM में भी और FM में भी. तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर देखिए जरा, आप लिख सकते हैं AC MA by 4 is equal to AC J1 beta divided by 2. तो आप देख सकते हैं AC और AC यहां से कैंसिल हो जाएगा, एक 4 और एक 2 कैंसिल, तो यहां पर आपका क्या बच जाएगा 2. तो MA कितना हो जाएगा आपका 2 into J1 beta. क्लियर है पॉइंट अच्छे से. अब आप यहां पर देखिए जो आपका MA है आपका कैलकुलेशन डिपेंड कर रहा है बीटा की वैल्यू पर, एक्चुअली डिपेंड कर रहा है J1 बीटा पर. आप देख सकते हैं 2 into J1 बीटा, तो उसके लिए पहले में बीटा पता होना चाहिए, तो 2 into J1 4 क्योंकि बीटा 4 है. तो J1 4 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, J1 4 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.066. हम लोग यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 into 0.066. ये हमारा कैलकुलेशन हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. इस पूरे कैलकुलेशन में एक ही पॉइंट ऐसा था जो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, वो है आपका AM का स्पेक्ट्रम. तो आपको AM का स्पेक्ट्रम याद रखना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अगर आपको AM का स्पेक्ट्रम याद होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है FC plus FM का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है AM में भी और FM में भी. तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए. क्लियर है पॉइंट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक कैरियर सिग्नल गिवन है और बोला गया है दिस कैरियर सिग्नल इज FM मॉड्यूलेटेड, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बाय अ साइनोसॉइडल सिग्नल, साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड AM एंड फ्रीक्वेंसी FM. तो आपको यहां पर जो अब मैसेज सिग्नल है उसका आपको एम्पलीट्यूड गिवन है, ओके, AM, और उसकी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है FM. क्लियर है पॉइंट, उनकी वैल्यूज नहीं गिवन है, केवल सिंबल गिवन है आपको. बोला गया है इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड विथ FM इज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज, मींस वैल्यू भी आपको दे दी यहां पर, ठीक है. कोई एक्सपेरिमेंट है जहां पर आप FM की वैल्यू 2 किलोहर्ट्ज कंसीडर कर रहे हैं, ओके, एंड इंक्रीजिंग AM स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वोल्ट, और ये कहा गया है उस एक्सपेरिमेंट में जो AM है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, बट वो स्टार्ट कहां से हो रहा है आपका, स्टार्ट हो रहा है आपका 0 वोल्ट से. क्लियर है पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वोल्ट, ठीक है. तो कोई एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आपका मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज़ एंड जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, और स्टार्ट कहां से हो रहा है, वो 0 वोल्ट से स्टार्ट हो रहा है इंक्रीज होना. नाउ ये बोल रहा है इट वॉज फाउंड दैट कैरियर कंपोनेंट इन द स्पेक्ट्रम वॉज रिड्यूस टू 0 फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन AM इज 2 वोल्ट. तो कह रहा है कि जो कैरियर कंपोनेंट है स्पेक्ट्रम में वो 0 हो जाता है, दैट मींस कैरियर टर्म आपका 0 हो जा रहा है जब आपका AM जो है वो 2 वोल्ट है, और ये कैरियर टर्म 0 हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है. तो यहां पर इस इंफॉर्मेशन को मैं आपको लिख देता हूं अच्छे से. यहां पर ये इंफॉर्मेशन है कि कैरियर कंपोनेंट, ओके, तो कैरियर कंपोनेंट विल बी 0 फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है. कैरियर कंपोनेंट इक्वल टू 0 फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, व्हेन मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड, ओके, AM इज 2 वोल्ट, ओके. जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट हो जाता है तो कैरियर कंपोनेंट स्पेक्ट्रम में पहली बार 0 होता है, ठीक है. नाउ आगे कह रहा है डिटरमाइन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर, दैट मींस आपको KF निकालने के लिए कह रहा है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी.
नाउ इसी का जो पार्ट टू है उसमें कह रहा है आपको डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड. एएम को आपको कैलकुलेट करना है, मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करना है फॉर विच कैरियर कंपोनेंट विल बी रिड्यूस टू जीरो फॉर द सेकेंड टाइम. ओके, कैलकुलेट एएम व्हेन कैरियर कंपोनेंट इक्वल टू जीरो फॉर द सेकेंड टाइम. ओके, तो यहां पर आपको एएम का कैलकुलेशन करना है, मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड का कैलकुलेशन करना है. ओके, व्हेन कैरियर कंपोनेंट जीरो हो जाता है सेकेंड टाइम के लिए. क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर आपको कहा गया है एक कैरियर सिग्नल है जिसका हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर रहे हैं बाय अ साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल जिसकी एम्पलीट्यूड है एएम और फ्रीक्वेंसी है एफएम. बोल रहा है इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड विथ एफएम इज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज एंड एएम इज इंक्रीजिंग स्टार्ट फ्रॉम द जीरो वोल्ट. इट वॉज फाउंड दैट कैरियर कंपोनेंट इन द स्पेक्ट्रम वॉज रिड्यूस टू जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम when AM is equal to 2 volt. Okay, तो आपको बोल रहा है determine KF. और फिर आपसे एक और question पूछ रहा है यहाँ पर. Calculate AM, message signal amplitude, when carrier component equal to 0 for the second time. Okay, तो ये भी आपका काफी अच्छा question है, काफी आपके concept clear करेगा ये question. Okay, तो यहाँ पर देखिए इसका solution part में, अगर मैं first part को यहाँ पर देखूं, तो फर्स्ट पार्ट में आपको एक वैल्यू तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है एफ एम इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. ओके, ये आपको गिवन है और आपको कह रहा है कैरियर कंपोनेंट इक्वल टू 0 फॉर द फर्स्ट टाइम. आप याद करिए हमने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, जहां पर हमने पढ़ा था कैरियर कंपोनेंट 0 होता है फर्स्ट टाइम. कब 0 होता है? जब बीटा की वैल्यू होती है 2.4. हमने पढ़ा था ना बीटा की कुछ वैल्यूज के लिए जे जीरो बीटा जीरो हो जाता है और कैरियर कंपोनेंट क्या होता है आपका जे जीरो बीटा पे डिपेंड करता है. तो अगर जे जीरो बीटा जीरो होता है तो कैरियर कंपोनेंट भी जीरो हो जाता है. तो जब फर्स्ट टाइम आपकी बीटा की वैल्यू 2.4 तक रीच कर जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा कैरियर कंपोनेंट जीरो हो जाएगा. अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने 2.4 को ही फर्स्ट क्यों लिया. हो सकता है हमें पहली बीटा की वैल्यू जो है वो 5.5 मिल जाए क्योंकि हमने 4 वैल्यूज बीटा की कंसीडर की थी जिसमें जे जीरो बीटा जो था क्या था आपका जीरो था. वो 4 वैल्यूज कौन कौन सी थी मैं लिख देता हूं यहां पर. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था 2.4 5.5 8.6 एंड 11.8. ओके, तो आप सोच रहे होंगे हो सकता है बीटा मुझे पहली बार में 8.6 ही मिले या हो सकता है 5.5 मिले, 2.4 ही क्यों मिलेगा. तो इसका आंसर इस फॉर्मूले में है जो कि बीटा का फॉर्मूला है. बीटा का फॉर्मूला क्या होता है के एफ इंटू ए एम दैट इज डेल एफ अपॉन एफ एम. यही होता है बीटा का फॉर्मूला. तो अब आप यहां पर ध्यान से समझिए जो बीटा है वो के एफ और एफ एम अगर कांस्टेंट है तो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है ए एम पर. ए एम क्या है आपका मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड. यहां पर क्या कह रहा है एक्सपेरिमेंट में जो मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड है वो स्टार्ट में जीरो है. That means स्टार्ट में आपका बीटा क्या होगा जीरो होगा. क्लियर है? और बोल रहा है जो मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, जीरो से इंक्रीज हो रहा है, जीरो से बढ़ रहा है. That means जैसे जैसे AM आपका जीरो से बढ़ता चला जाएगा बीटा भी आपका जीरो से इंक्रीज होता चला जाएगा. तो जब आप जीरो से इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे बीटा को तो फर्स्ट वैल्यू आपकी 2.4 ही आएगी ना, जहां पर आपका जे जीरो बीटा क्या होगा जीरो होगा. क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो यहां पर बीटा जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो होगा 2.4, ठीक है, जिसके लिए जे जीरो बीटा क्या होगा जीरो होगा और कैरियर कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा. क्लियर है पॉइंट अच्छे से? नाउ अब अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पर यूज करूं तो 2.4 इज इक्वल टू के एफ इंटू 2. आपको दिया हुआ है कि जब आपका ए एम 2 वोल्ट होता है तभी आपका जे जीरो बीटा जीरो होता है, कैरियर कंपोनेंट आपका जीरो होता है. तो के एफ इंटू 2 अपॉन एफ एम. एफ एम कितना दिया है 2 किलो हर्ट्स. ओके, तो 2 इंटू 1000. क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसल हो जाएगा. क्लियर है? तो यहां से आपका के एफ कैलकुलेट हो जाएगा. के एफ होता है आपका 2.4 इंटू 1000.
ओके, यूनिट क्या होती है आपको पता ही है, हर्ट्ज पर वोल्ट। क्लियर है अच्छे से? तो ये हो गया आपका केएफ। नाउ अब मैं बात करूं अगर पार्ट टू की, तो पार्ट टू में आपको कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल आपको निकालना है फॉर विच कैरियर कंपोनेंट विल बी रिड्यूस टू जीरो फॉर द सेकेंड टाइम। अब आपको पता है जब 2.4 के बाद ये लगातार इंक्रीज होना चालू होगा तो अगली वैल्यू क्या आएगी आपकी, 5.5 ही आएगी। ओके, तो आप बीटा का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, 5.5 के एफ इंटू ए एम अपॉन एफ एम। ठीक है, यहां पर एफ एम हमेशा ही कॉन्स्टेंट दिया है आपको, एफ एम के बारे में आपको कुछ नहीं कहा गया है। तो कितना हो जाएगा एफ एम आपका, एफ एम हो जाएगा यहां से 2 किलोहर्ट्ज़, तो 2 × 1000। क्लियर है पॉइंट? इस पर कोई हमको डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ के एफ और ए एम रह गए, बीटा हमें पता है 5.5। तो आप देखिए जो के एफ है वो सिस्टम का फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है, वो ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है, वो आपकी कभी चेंज नहीं होगी। एक बार जो आपने कैलकुलेट कर लिया, के एफ इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर एनी ट्रांसमीटर, तो के एफ की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 2.4 × 1000 ओके इंटू ए एम। ओके, ये आपका ए एम सेपरेट है, के एफ की वैल्यू आपने पुट कर दी 2.4 × 1000, तो 1000 कैंसल, तो जो आपकी ए एम की वैल्यू है वो आ जाएगी 5.5 × 2 / 2.4 ओके वोल्ट। तो ये आपका ए एम यहां पर कैलकुलेट हो गया जो आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? इसमें कोई डाउट है? ठीक है। नाउ ये जो आपने क्वेश्चन किया है अभी अभी, यहां पर आपको बीटा की वो वैल्यूज याद रखनी पड़ती, ठीक है ना, जैसे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि बीटा की वो वैल्यूज जिनके लिए जे जीरो बीटा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पर ये कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, अगर आपको बीटा की वैल्यू नहीं पता होती, 2.4 होती है, 5.5 होती है, या 8.6 होती है, या 11.8 होती है, तो आपसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाता। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे आपकी ये वीडियो फिनिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आने वाली वीडियोस में लूंगा। अभी थ्योरी भी काफी बची है आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, वाइड बैंड एफएम में, एक्चुअली जनरेशन ऑफ वाइड बैंड एफएम, डी मॉड्यूलेशन ऑफ वाइड बैंड एफएम, ये सारे पॉइंट्स हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।